दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के कौन है वीडियो में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। किस तरीके से आप एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन यहाँ पर करते हो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये पार्ट वन इसलिए होगा क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी की। आपको अगर याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग मेनली दो कैटेगरीज में यहाँ पर बांट करके पढ़ते हैं, मतलब किस तरीके से हम लोग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो उसको हम लोग दो केसेस में यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं। एक केस हम लोगों का होता है लेट आउट का और दूसरा होता है हम लोगों का सेल्फ ऑक्यूपाइड का। जब आपने घर को किराए पर अगर चढ़ा के रखा है तो उस केस में आपकी टैक्सेबल इनकम किस तरीके से निकलेगी हाउस प्रॉपर्टी की। दूसरी बात होती है अगर मान लीजिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाई आप करके रखे हो, खुद उसमें रह रहे हो, तो फिर आप उसकी टैक्सेबल इनकम किस तरीके से डिटरमाइन करते हो। तो लेट आउट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे पार्ट वन में और ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसकी बात हम लोग करेंगे पार्ट टू में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो सेक्शन 22 हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पर हम लोगों ने बेसिस ऑफ चार्ज देखा था जो कि होती है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिटरमाइन करते हो। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी सेक्शन 26 की जिसमें प्रॉपर्टी ओन्ड बाई को ओनर्स हम लोगों ने पढ़ा था, और सेक्शन 27 की भी बात हम लोग कर चुके हैं डीम्ड ओनर्स। ठीक है, तो इनकी बात हम लोग कर चुके हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 23 की। सेक्शन 23 में हम लोग बात करेंगे एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ बिल्डिंग लेट आउट, यानी कि सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग निकालते हैं और किस तरीके से हम लोग एक्चुअल रेंट को डिटरमाइन करते हैं, एक्चुअल रेंट या फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू को यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अभी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला यानी कि सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 4 5 इनकी बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शन आपको मिलती है लेट आउट के केस में। तो स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊँ तो हम लोग एनुअल वैल्यू की बात करें तो एनुअल वैल्यू को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, एक तो देखिए होगा लेट आउट और दूसरा होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट के केस में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले एनुअल वैल्यू की डिटर्मिनेशन की, किस तरीके से आप एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करते हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शन आपको लेट आउट के केस में यहाँ पर मिलती है। इसी तरीके से सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप एनुअल वैल्यू को किस तरीके से डिटरमाइन करते हो और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको कौन कौन सी डिडक्शन यहाँ पर मिलती है। तो सेकंड वीडियो जो है सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग पार्ट वन डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे इसकी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी डिडक्शन की, उसके बाद फिर इसकी और इसकी करके हम लोगों का ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जब लेट आउट की हम बात करते हैं तो अगर लेट आउट के केस में आपने एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन सीख लिया और आपने डिडक्शन पढ़ ली तो यहाँ पर ही आपका 90% चैप्टर जो है हाउस प्रॉपर्टी का ये कंप्लीट हो जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है, बस थोड़ी एक दो कंडीशन है उन्हीं को हम लोगों को देखना है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले अपना सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ बिल्डिंग लेट आउट। अब देखिए ये चार्ट मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी दिखाया था। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका डाल रखा, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ये हम लोगों ने बात करी थी लास्ट वीडियो में, इसका चार्ट मैंने आपको बस दिखाया था, मैंने कहा था डिटेल डिस्कशन हम लोग इसका बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस पूरा होता है, यहाँ पर सबसे पहले आप अपने हाउस की जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी उसकी आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर निकालते हो, उसके बाद आप उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस यानी कि वाटर टैक्स हाउस टैक्स ये सब लेस करते हो। कोई अनरियलाइज रेंट है, मान लीजिए कि किराएदार किराया का चोरी करके भाग गया आपका, ठीक है, तो उस केस में अनरियलाइज रेंट को हटाओगे यहाँ से, और ये सब करने के बाद आपको मिल जाती है यहाँ पर एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, एनुअल वैल्यू आपकी निकल आई। अब ये जो एनुअल वैल्यू आपकी निकली है इसमें से आप डिडक्शन लेस करते हो सेक्शन 24 के अंदर में, एक हो जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने लिया हो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलता है। तो डिडक्शन वाली बात जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालते हैं और किस तरीके से हम लोग एनुअल वैल्यू को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं, तो इसकी बात हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। और कुछ और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखें सबसे पहले हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें एमटी का मतलब है म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस के केस में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर आर ओनली अलाउड एज डिडक्शन एंड दे मे रिलेट टू एनी प्रीवियस ईयर। मतलब जो लोकल टैक्सेस की यहाँ पर बात हुई है वो टैक्सेस ओनर के द्वारा ही पे होने चाहिए, मतलब ओनर ही उनको पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेनेंट ने अगर पे किया तो आप उसका डिडक्शन यहाँ पर क्लेम करने की कोशिश करो, अगर ओनर ने पे किया है तभी यहाँ पर उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि वो जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किया गया वो किसी भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो सकता है, मतलब पिछले का भी पे कर सकते हैं आप, पिछले से पिछले साल का भी पे कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर में मान लीजिए प्रीवियस ईयर हम लोगों का अगर जो चल रहा है वो 2021 से लेकर 22 का चल रहा है, तो इस प्रीवियस ईयर में जितने भी म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पे किए हैं चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो वो आपको उसकी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आपने अगर पिछले साल का पे किया तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी शर्ते आपने खुद पे किया हो और आपने इसी साल में उसको पे किया हो, बस बात खत्म यहाँ पर।
इसके बाद एक चीज़ और आती है, मान लीजिए कि म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर एक्सीड कर जाते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू को, तो जब भी म्यूनिसिपल टैक्सेस, मान लीजिए आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली वो आपकी निकली 1,00,000 रुपये और म्यूनिसिपल टैक्सेस जो आपने निकाले वो आपने पे किए 1,50,000 रुपीज़, तो जब भी म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्सीड करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू को तो यहाँ पर नेगेटिव एनुअल वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे थे कि म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर ज़्यादा हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू से तो एनुअल वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इस तरीके से आपसे करके वो पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर होती है जो कि है अनरियलाइज रेंट, ठीक है। अनरियलाइज रेंट के केस में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अनरियलाइज रेंट, यानी कि यू आर का मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है अनरियलाइज रेंट। तो अनरियलाइज रेंट इज डिडक्टेबल ओनली वेन द कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। तो अनरियलाइज रेंट जो कि किराया आपका चोरी करके चला गया आपका किराएदार, तो उसका डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप कंडीशंस ऑफ रूल 4 को सेटिस्फाई कर रहे हो। अभी रूल 4 की कंडीशन क्या है अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि कौन कौन से टैक्सेस को हम लोग लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि अनरियलाइज रेंट हम लोग कब डिडक्ट कर सकते हैं, इनको जब हम जीएवी से अपने हटा देते हैं तो हमको मिलती है अपनी एनुअल वैल्यू। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली है, इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने का भी एक पूरा प्रोसेस होता है, वो अभी मैं आपको आगे यहाँ पर हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक चीज़ अभी मैंने यहाँ पर देखे छोड़ी थी, ये कंडीशंस ऑफ रूल 4, इसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत छोटी सी कंडीशन है। तो अनरियलाइज्ड कंडीशंस ऑफ रूल 4 आपको क्या बोलती है, सबसे पहले द टेनेंसी इज बोनाफाइड, ठीक है, टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होनी चाहिए। दूसरे केस में द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वेकेटेड, जो डिफॉल्ट किया है जिस टेनेंट ने, चोरी की आपके उसकी रेंट की, आपको रेंट नहीं दिया उसका, वो घर को खाली करके जा चुका हो, ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी खाली करके जा चुका हो, या फिर ऐसा हो कि अगर वो खाली करके नहीं गया है लेकिन फिर भी आपने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं कि वो घर को खाली करके चला जाए, मतलब आप उसको प्रेशर डाला, आप उसको कंपेल करो, फोर्स करो कि भैया घर छोड़ के चले जाओ, आपने स्टेप्स लिए हो, ऐसा ना हो कि आप अपना आराम से हाथ पे हाथ चढ़ाए बैठे हो और आप कह रहे हो कि वो मेरा घर खाली करके नहीं जा रहा है। तो या तो वो घर खाली करके चला गया हो या फिर आपने कुछ स्टेप्स लिए हो जिससे कि वो घर को खाली करके चला जाए वहाँ पे। इसके बाद तीसरे पॉइंट में होता है द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी पे जाकर के बैठा ना हो, किसी और प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करके ना बैठा हो, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट कंडीशन में बोले द असेसी और द असेसी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स ऑफ इंस्टीट्यूटिंग अ लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। मान लीजिए उसने केस कर दिया कोर्ट में जाकर के उस किराएदार के खिलाफ, तो या तो ये हो, या तो अगर वो मान लीजिए केस नहीं करता है तो जो असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम को असेस कर रहा है उसको वो ये सेटिस्फाई कर दे कि भैया अगर हम लीगल प्रोसीडिंग करते भी हैं तो भी वो यूजलेस होगी क्योंकि जो हमारा किराएदार था वो देश छोड़ के चला गया विजय माल्या की तरह। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि लीगल प्रोसीडिंग का कोई फायदा नहीं है, तो वहाँ पर जो कंडीशन ऑफ रूल 4 है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये चार कंडीशन अगर होंगी तो चार कंडीशन की वजह से इनको बोला जाता है कंडीशन ऑफ रूल 4, और अगर ये सेटिस्फाई हो जाती तब आपको यहाँ पर अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एग्जाम में वो जब क्वेश्चन आपको देते हैं तो वो दे देते हैं कि कंडीशंस ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड, तो आप वहाँ पर उसको उठा करके अनरियलाइज रेंट को डिडक्ट यहाँ पर कर देंगे। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से हम लोग अनरियलाइज रेंट को डिडक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस को वो करते हैं, डिडक्ट करते हैं वहाँ पर। और अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात करें कि जीएवी आपकी कैसे निकलती है, उस जीएवी को निकालने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एनुअल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से एनुअल वैल्यू होती है, क्या होती है, वो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो एनुअल वैल्यू आपकी जो दी हुई है वो दी हुई है सेक्शन 23 के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट मीन द रेंटल इनकम बट इट मीन्स द सम फॉर विच द बिल्डिंग माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आप रेंट यहाँ पर कमा रहे हो 25,000 रुपये महीने का, तो 3,00,000 रुपये आपका साल का हो गया, ठीक है, साल में आपने 3,00,000 रुपये कमाया यहाँ पे। तो आप ये कहोगे कि भैया रेंटल तो मुझे 3,00,000 रुपये मिला है तो इसी पे मेरी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो चार्ज कर दूँ। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर, गवर्नमेंट थोड़ा सा दिमाग लगा करके जब भी कोई लॉ बनाती है वो थोड़ा दिमाग लगा के बनाती, तो उसने कहा कि 3,00,000 रुपये पे हम डायरेक्टली नहीं चार्ज करेंगे, हम ये देखेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में कितने उस पर रेंट पर एक्सपेक्ट की जा सकती थी लेट आउट के लिए। मतलब हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा पे लेट आउट हो सकती हो सकता है आपका जो घर है वो काफ़ी आलिशान हो और 60,000 रुपये महीने का आप चार्ज कर सकते थे, यानी कि 7,20,000 रुपये आप आराम से उसे कमा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने 25,000 में उठाया, तो ये 25,000 में आधे से भी कम रेंट आप क्यों उसको चार्ज करो। हो सकता है कि आप 25,000 ना लेकर के आप ज़्यादा ले रहे हो लेकिन आप ऑन पेपर 25,000 दिखा रहे हो। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 3,00,000 रुपये जो आपकी रेंटल इनकम हुई है उसको हम लोग डायरेक्टली एनुअल वैल्यू नहीं बोलेंगे, हम पहले ये कंपेयर करेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना था, मतलब आप कितना रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते थे उस हाउस प्रॉपर्टी से। तो रीजनेबली आप मान लीजिए कि 60,000 रुपये एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि पहले हम लोग कंपेयर करेंगे इनको 60,000 को और 3,00,000 रुपये को, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या एनुअल वैल्यू यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से एनुअल वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन होती है।
आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन असेसीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एनुअल वैल्यू। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बेसिस ऑफ चार्ज होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वो एनुअल वैल्यू होता है। इसके बाद देखिए क्या बोले, अब एनुअल वैल्यू यहाँ पर किस तरीके से डिटरमाइन होगी, तो एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग एनुअल वैल्यू यहाँ पर निकल करके आती है। देखिए अगर बिल्डिंग लेट आउट है तो अलग वैल्यू होगी, ठीक है, अलग एनुअल वैल्यू निकलेगी। अगर बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर अलग एनुअल वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, और जो कि होती है इन शॉर्ट नेल आपकी, ठीक है। तो जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होगा, अगर तो वहाँ पर एनुअल वैल्यू जो होती है उसकी वो नेल हो जाती है। इसके बाद इसी के और पार्ट्स आ जाते हैं कि मतलब आधे साल आपका ऑक्यूपाइड है, आधे साल आपने लेट आउट करके रखा, आपके पास दो से ज़्यादा घर हैं तो उस केस में एनुअल वैल्यू क्या होगी, अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड में रखा हुआ है प्रॉपर्टी को तो फिर एनुअल वैल्यू क्या होगी। तो ये अलग अलग केसेस हैं। बिल्डिंग लेट आउट का ही केस सबसे बड़ा होता है, देखिए देखने में छोटा लग रहा है लेकिन जो मेन क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम में इसी से बनता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो एनुअल वैल्यू नेल हो जाती है, बस आपको डिडक्शन वहाँ पर लेस करके उसका लॉस क्लेम करना होता है, बस और कुछ उसमें नहीं करना होता है। तो 30,000 और 2,00,000 रुपए का वो डिडक्शन मिलता है, वो आगे हम लोग जब इसका वीडियो करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका डिडक्शन डिटरमाइन होता है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसकी सेक्शन 23। सेक्शन 23 के अंदर सब सेक्शन 1 यानी कि बिल्डिंग लेट आउट के केस में आप किस तरीके से एनुअल वैल्यू को यहाँ पर डिटरमाइन करते हो। अब देखिए बिल्डिंग लेट आउट की हम बात करते हैं जो कि हमारा होता है सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अंडर में। तो यहाँ पर बोल रहे हैं द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट शैल बी डीम्ड टू बी, क्या होगी सबसे पहला पॉइंट देखें, द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि क्या एक्सपेक्टेड रेंट। तो मैंने आपसे ये कहा कि आप मान लीजिए साल का 3,00,000 रुपये रेंटल इनकम कमा रहे हो, आपके जो घर की आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, ये बोले ना द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते थे ओरिजिनली उस घर से। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 7,20,000 रुपये एक्सपेक्ट कर सकते थे आराम से, आप चार्ज करो 3,00,000 रुपये, तो गवर्नमेंट कहेगी हम ये 3,00,000 रुपये हमारे लिए कोई मतलब नहीं, हम इस पे चार्ज करेंगे आपका टैक्स। तो 7,20,000 रुपये पे आपका टैक्स चार्ज होगा, ना कि 3,00,000 रुपये पे। इन केस मान लीजिए कि एक्सपेक्टेड रेंट आपका कम हो जाता तो फिर गवर्नमेंट आपसे वो चार्ज करेगी। तो यहाँ पर ये क्या बोले, द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली भी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट, इसको बोलेंगे आप एक्सपेक्टेड रेंट। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करोगे किससे, अपने एक्चुअल रेंट से, जो 3,00,000 रुपये आपने रिसीव किया था उससे आप कंपेयर करोगे। इन केस मान लीजिए आपका एक्चुअल रेंट यहाँ पर ज़्यादा निकल के आता है, मान लीजिए कि एक्चुअल रेंट यहाँ पर लेते हैं और ये एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, एक्चुअल रेंट आपका था 3,00,000 रुपये, एक्सपेक्टेड रेंट मान लीजिए आपका होता है 2,50,000 रुपये, ठीक है, 3,00,000 रुपये आपने एक्चुअल रेंट रिसीव किया और एक्सपेक्टेड आप कितना कर सकते थे 2.5 लाख, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, आपने ज़्यादा में उसको घर को लेट आउट कर दिया, तो गवर्नमेंट कहेगी भैया हम इस पे चार्ज करेंगे 3,00,000 रुपये पे। अब हमको 2,50,000 रुपये कोई मतलब नहीं, हमको एक्सपेक्टेड रेंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका एक्चुअल रेंट ज़्यादा हो रहा है हम उस पे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल रेंट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद ही हम एनुअल वैल्यू निकालेंगे, तो एक्चुअल रेंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीएवी हो जाएगा। इन केस मान लीजिए कि आपका एक्चुअल रेंट यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है, एक्चुअल रेंट आपका 3,00,000 रहा था और ये आपका मान लीजिए निकलता है 7,20,000 जो हम लोगों ने अभी देखा था, तो गवर्नमेंट अब इस बार कहेगी कि अब हमको 3,00,000 रुपये से कोई मतलब नहीं, हम इस पे चार्ज करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट पे। ये देखिए ये दे रहे हैं, एक्चुअल रेंट अगर कम होता है एक्सपेक्टेड रेंट से तो एक्सपेक्टेड रेंट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेकिन ये तब होगा जब किसी और फैक्टर की वजह से आपका जो एक्चुअल रेंट है वो कम हुआ। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि 60,000 रुपये आप एक्सपेक्ट कर सकते थे उसको उठाने के लिए, लेकिन आपने 25,000 में उठाया, तो ये किसी और फैक्टर की वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम हो रहा है तो फिर उस केस में एक्चुअल रेंट ही क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर हो जाता है। इसका डिस्कशन अभी मैं आगे भी डिटेल में करने वाला हूँ, तो यहाँ पर बस आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअल रेंट अगर ज़्यादा होता है एक्सपेक्टेड रेंट से तो फिर एक्चुअल रेंट होगा जीएवी, एक्चुअल रेंट अगर कम होता है एक्सपेक्टेड रेंट से यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा हो जाता है एक्चुअल रेंट से तो एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका जीएवी होगा, लेकिन अगर वैकेंसी की वजह से होता है तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्चुअल एंटी आपका क्या हो जाता है, जीएवी यहाँ पर निकल करके आ जाता है। अब देखिए जो एनुअल वैल्यू हम लोग निकालते हैं उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, मतलब हम लोग एनुअल वैल्यू के पहले जो एनुअल वैल्यू हमने निकाली इसके पहले हम लोग निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, जीएवी निकालते हैं, जीएवी के बाद फिर हम लेस करके एनुअल वैल्यू पर निकालते हैं। लेकिन जीएवी निकालने के पहले भी आपको एक चीज़ कंपेयर करनी पड़ती है, वो थी एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, इनको आपको कंपेयर करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना ये चीज़, ये देखें एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, इन दोनों को कंपेयर करके हमने बताया कि जीएवी हमारी क्या होगी। तो ये आप करते हो, और ये एक्सपेक्टेड रेंट जो यहाँ पर दिख रहा है वो एक्सपेक्टेड रेंट भी आपका निकलता है, थोड़ा सा एक प्रोसेस है, तो उसमें आप कंपेयर करते हो फेयर रेंट को, म्यूनिसिपल वैल्यू को और स्टैंडर्ड रेंट को। मतलब आप फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट,
इन तीनों को आप कंपेयर करोगे और आप एक्सपेक्टेड रेंट अपना यहाँ से डिटरमाइन करोगे। इसके बाद आप एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों को कंपेयर करोगे और आप यहाँ पर जीएवी निकालोगे। इसके बाद जीएवी से आप लेस करके आप अपनी एनुअल वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। तो पूरा एक प्रोसेस होता है, ये देखिए क्या है प्रोसेस। सबसे पहले आप फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। अब फेयर रेंट क्या होता है कि मान लीजिए जिस लोकेलिटी में आपका घर था, ठीक है, उसी लोकेलिटी में आप ही की तरह कई और घर हैं, वो लेट आउट हो चुके हैं, तो जिस वैल्यू पे वो लेट आउट हुए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट। मतलब आप ही की लोकेलिटी में आप ही की तरह के जो बाकी के घर हैं उन पे कितना रेंट चार्ज किया जा रहा है वो हो जाता है फेयर रेंट। म्यूनसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि म्यूनसिपल अथॉरिटी के थ्रू क्या वैल्यू डिटरमाइन की गई है आपके घर की, मतलब क्या आपके घर की वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से वो लोग बताते हैं कि भैया इतना रेंट आप चार्ज कर सकते हो। तो फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू इन दोनों को आप यहाँ पर कंपेयर करोगे और इन दोनों में से जो भी आपका हायर निकल करके आएगा, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू हायर निकल करके आएगी उसको आप मान लीजिए बोल दिया एक्स वाई जेड। अब एक्चुअल में एक्स वाई जेड नहीं बोलते, मैंने सिर्फ बता दिया कि जो हायर निकल के आया आपने उसको बोल दिया एक्स वाई जेड। अब आप क्या करेंगे, इस एक्स वाई जेड को कंपेयर करेंगे आप स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब आपने पहले फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर किया, इन दोनों में से जो हायर निकला आपने उसको बोला एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड और स्टैंडर्ड रेंट, अब स्टैंडर्ड रेंट किसी किसी लोकेलिटी में मान लीजिए स्टैंडर्ड वो रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है, रेंट कंट्रोल एक्ट एक होता है, तो वो जिस भी लोकेलिटी में लगता है वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो बताती कि कितना वहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट होगा। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कभी कभी ये नहीं भी देखने को मिलता है। इन केस मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है तो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू इन दोनों में से जो भी हायर आपका होगा वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है तो आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट अपना निकालते हो। तो स्टैंडर्ड रेंट को आप कंपेयर करोगे एक्स वाई जेड से, इनमें से जो भी लोअर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू जो भी हायर निकला उसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट से, इसमें से जो भी लोअर निकला वो हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। यहाँ पर बात खत्म हो गई एक्सपेक्टेड रेंट की। अब हम लोग कंपेयर किसको करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो भी हायर होता है वो हमारा हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मतलब एक बार हायर फिर लोअर फिर हायर, तो हायर लोअर हायर। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो भी हायर होता है वही हमारा जीएवी होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर एक लोअर करके भी लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर जो लोअर करके लिखा है मतलब इन दोनों में से जो लोअर होगा वो भी हमारा जीएवी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो। देखिए क्या है वो कंडीशन, जीएवी के केस में अगर एक्चुअल रेंट मान लीजिए ज़्यादा होता है एक्सपेक्टेड रेंट से तो फिर तो हमारा एक्चुअल रेंट ही जीएवी होगा। एक्चुअल रेंट मान लीजिए कम हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पर जीएवी हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो है वैकेंसी की वजह से कम हो रहा है, ठीक है, वैकेंसी की वजह से अगर हमारा एक्चुअल रेंट कम हुआ है जीएवी उससे एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में हमारा एक्चुअल रेंट जो आप रिसीव कर रहे हो वही आपका क्या होगा जीएवी यहाँ पर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से आपने कंपेयर किया, जो हायर था वो आपने जीएवी बोल दिया, लेकिन अगर आपका एक्चुअल रेंट कम हो जाता है इस एक्सपेक्टेड रेंट से, रीज़न उसका अगर वैकेंसी होता है, तो उस केस में आपका एक्चुअल रेंट जो होगा वही आपका जीएवी यहाँ पर कहलाएगा। तो उस केस में लोअर वैल्यू जो होगी वो भी आपकी एक जीएवी हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पर लोअर को मैंने स्टार बना के छोटा सा लिखा हुआ है। और बहुत रेयर चांसेस है कि आपको ये कंडीशन देखने को मिले, नॉर्मल केसेस में आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। देखें अब आपने जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पर जीएवी से लेस कर दोगे अपने म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज रेंट, इनको लेस करने के बाद आपको यहाँ पर एनुअल वैल्यू मिल जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंपेयर किया फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू को। जो हायर निकला वो हुआ एक्स वाई जेड, इसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट से। जो इनमें से लोअर हुआ वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हुआ। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर किया, जो हायर था हमारा वो जीएवी हो गया। लेकिन अगर लोअर हो जाता है इस केस में, तो लोअर भी मान लीजिए अगर एक्चुअल रेंट हमारा कम हो जाता है इस पे एक्सपेक्टेड रेंट से, उसका रीज़न अगर वैकेंसी होता है, तो उस केस में हमारा एक्चुअल रेंट भी यहाँ पर जीएवी हो जाएगा। मतलब जो लोअर वैल्यू है वो भी जीएवी हो सकती है। और जीएवी निकालने के बाद आप इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस हटाओगे और अनरियलाइज रेंट हटाओगे, तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से हम लोग एनुअल वैल्यू को यहाँ पर लेट आउट प्रॉपर्टी के निकालते हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरीके से आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, किस तरीके से आप जीएवी निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया है, तीन केसेस हम लोगों को दिए गए हैं, ए बी और सी। फर्स्ट केस में यहाँ पर फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू बोलिए या फिर फेयर रेंट बोलिए, ठीक है, फेयर वैल्यू बोले थे वो 36,000 रुपये साल की, ये जितनी भी वैल्यूज दिए हैं ईयरली दिए हैं, और ये आपका पर मंथ में दिया हुआ है।
तो फेयर रेंट आपका बोले हैं वो 36,000, म्यूनसिपल वैल्यू बोले 30,000 रुपये। फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू इन दोनों में से जो भी हायर होता है, तो हायर कौन सा है इनमें से, 36,000। तो 36,000 ये हो गया हम लोगों का सपोज एक्स वाई जेड वाली वैल्यू। अब ये जो एक्स वाई जेड है और ये जो स्टैंडर्ड रेंट है, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो हमारा होगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो 36,000 और 30,000, इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 30,000। तो यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट आपका कितना हो गया, 30,000 रुपये। अब एक्चुअल रेंट आपका देखिए कितना है, एक्चुअल रेंट है आपका 4,000 रुपीज़ पर मंथ, 4,000 रुपये पर मंथ अगर आपका एक्चुअल रेंट आ रहा है, तो इसका मतलब साल का कितना हो गया, 48,000। तो 30,000 यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, ठीक है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जीएवी हो जाएगा। तो 48,000 हमारा जीएवी यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। बी केस की अगर बात करें तो देखिए बी केस में बोल रहे हैं फेयर वैल्यू दी है 28,000 और ये म्यूनसिपल वैल्यू दी है 26,000 रुपये। इन दोनों में से जो भी हायर होगा, इन दोनों में से हायर कौन सा है, 28,000। अब ये 28,000 को हम लोग स्टैंडर्ड एंड से कंपेयर करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड एंड दिया ही नहीं हुआ है तो कंपेयर कैसे करोगे। तो यानी कि जो 28,000 रुपये आपने निकाला हायर, यही आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड रेंट 28,000 रुपये और एक्चुअल रेंट आपको बोले साल का 30,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी हायर, तो हायर कौन सा है, 30,000 रुपये। तो ये 30,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद देखें, इसके बाद बोल रहे हैं सी केस में 30,000 रुपये फेयर वैल्यू और म्यूनसिपल वैल्यू दिए 35,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी हायर हुआ, हायर कौन सा इनमें से, 35,000। तो 35,000 ये हो गया हम लोगों का एक्स वाई जेड। अब ये 35,000 और 36,000, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, तो इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 35,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट हम लोगों का निकलेगा यहाँ पे 35,000। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे आपसे कि एक्चुअल रेंट यहाँ पर कितना है, 3,000 रुपये पर मंथ है, 3,000 रुपये पर मंथ है। इसका मतलब कि आपका साल का कितना हो गया, 36,000। लेकिन एक चीज़ देखिए, हाउस रिमेंड वेकेंट फॉर 1 मंथ, तो जो आपका हाउस है वो 1 मंथ के लिए वेकेंट रहा, यानी कि 3,000 रुपये को अब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 11 से, क्योंकि 12 में से एक महीना आपका घर वेकेंट रहा है, खाली रहा है, तो उसका रेंट आपको मिला नहीं। तो यानी कि 3,000 रुपये मल्टीप्लाई होंगे किससे, 11 से, तो 11 × 3 = 33। तो यानी कि आपका एक्चुअल रेंट कितना निकल के आ रहा है, 33,000। तो 35,000 रुपये ये है, 33,000 ये हायर है लोअर, यहाँ पर आप बोलोगे कि हायर जो होता है वही हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आपका एक्चुअल रेंट कम होता है उससे एक्सपेक्टेड रेंट से, और उसका रीज़न अगर वैकेंसी है, उसका रीज़न अगर वैकेंसी है, तो उस केस में जो जीएवी होती है वो आपकी एक्चुअल रेंट ही हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जीएवी आपकी कितनी होगी, 33,000 होगी, यानी कि आपको यहाँ पर लोअर वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर हायर की जगह आप लेंगे लोअर, क्यों, क्योंकि जो आपका एक्चुअल रेंट था वो एक्सपेक्टेड रेंट से इसलिए कम हुआ क्योंकि हाउस था वो आपका एक महीने वेकेंट रहता। मान लीजिए अगर ये वेकेंट ना रहता तो आप ये 3,000 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आप ये 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 × 3 यानी कि 36,000। तो ये आपका निकल कर क्या था, 36,000, यानी कि ये हायर ही हो जाता, मतलब एक्चुअल रेंट आपका एक्चुअल में देखे तो हायर ही था उससे एक्सपेक्टेड रेंट से, लेकिन क्योंकि वैकेंसी हो गई उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया और आपका यहाँ पर क्या हो गया, 33,000 हो गया। तो अब आप हायर नहीं ले सकते हो, आपको एक्चुअल रेंट को ही यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी की वजह से आपका जो एक्चुअल रेंट है वो कम हो गया एक्सपेक्टेड रेंट से। तो उस केस में आपका जीएवी क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हो, किस तरीके से आप उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू को यहाँ पर डिटरमाइन करते हो। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिटरमिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन डिफरेंट केसेस। आप अगर अपनी बुक देखेंगे एच ई मल्होत्रा, तो उसमें भी आपको अलग अलग केसेस दिए हैं, तो उसमें अलग अलग केसेस में कुछ ज़्यादा कंडीशन नहीं होती। देखिए एनुअल वैल्यू को हम लोग दो कंडीशन में यहाँ पर बांट करके पढ़ते हैं, एक वो तो वो होगी जिसमें कि कोई वैकेंसी नहीं थी, मतलब नो वैकेंसी वाला केस। नो वैकेंसी का मतलब है कि घर आपका पूरे के पूरे 12 महीने किराए पर चढ़ा रहा है, कोई भी दिन खाली नहीं रहे। दूसरा केस होता है जहाँ पर आपका घर 1 महीने 2 महीने 3 महीने कुछ महीने खाली रहे, तो वो हो जाता है वैकेंसी वाला केस। तो यहाँ पर नो वैकेंसी जब होगी तो नो वैकेंसी के केस में भी हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं, एक वो जिसमें कि अनरियलाइजेंट आपका एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब पूरा का पूरा किराया जो था आपका ड्यू वो पूरा किराया आपके किराएदार ने आपको पे कर दिया है, कोई भी अनरियलाइजेंट वहाँ पर नहीं है। दूसरी कंडीशन होगी जहाँ पर किराया आपका किराएदार जो है वो चोरी करके भाग गया, कुछ अनरियलाइजेंट वहाँ पर है। तो पहली कंडीशन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें नो वैकेंसी है। नो वैकेंसी के केस में पहली जो केस होगा वो होगा नो अनरियलाइजेंट, और दूसरा केस जो होगा वो अनरियलाइजेंट का होगा, मतलब नो वैकेंसी एंड अनरियलाइज्ड रेंट होगा वहाँ पे। इसके बाद दूसरी कैटेगरी की अगर बात करें जिसमें कि वैकेंसी है, तो वैकेंसी में भी हम लोगों का यही होगा, जहाँ पर एक तो होगा अनरियलाइजेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, दूसरा होगा जहाँ पर अनरियलाइजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए पहले केस की अगर हम बात करें जहाँ पर ना तो वैकेंसी है
ना तो अनरियलाइज रेंट है, तो ये एकदम नॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल कंडीशन के केस में आप कंपेयर करोगे एक्सपेक्टेड रेंट को और आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट को, इन दोनों में से जो भी हायर आपका होगा वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। मतलब आपने एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, ना तो कोई वैकेंसी है, जब वैकेंसी नहीं है तो आपका फिर एक्चुअल रेंट और वो जो वाला हम लोग ले रहे थे ना कि अगर एक्चुअल रेंट मान लीजिए कम हो जाता है वैकेंसी की वजह से, तो फिर वाली कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपसे मैंने यही चीज़ बोली थी कि जो एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा होता है, ठीक है, एक्चुअल रेंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो वही आपका जी ए वी होगा। अगर एक्सपेक्टेड रेंट आपका एक्चुअल रेंट से ज़्यादा हो जाता है तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका क्या हो जाएगा, जी ए वी होगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो भी हायर होता है वही आपका जी ए वी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्चुअल रेंट आपका कम होता है एक्सपेक्टेड रेंट से, दूसरे कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर एक्चुअल रेंट कम हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से और इसका रीज़न अगर वैकेंसी है, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, उस केस में आप एक्चुअल रेंट को ही जी ए वी यहाँ पर मान लेंगे। अब इसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि वैकेंसीज आपका वो कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल रेंट आप रिसीव कर रहे हो पर मंथ, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 12 से। जैसे एक कंडीशन हम लोगों ने याली देखी थी ना, ये यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 3,000 रुपये आपका 11 महीने से रिसीव किए, तो हाउस अगर वेकेंट रहे तो पहले आप ये अज्यूम कर लो कि हाउस वेकेंट नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 3,000 को मल्टीप्लाई करिए 12 से, तो ये आपका निकला 36,000, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों का एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकला था, 35,000। तो 35,000 और ये आपका एक्चुअल रेंट, एक्चुअल में देखिए कितना था, 36,000 रुपये था। तो इन दोनों में से जो भी हायर है वही हम लोगों का जी ए वी बनता है यहाँ पे। लेकिन ये कम हो गया क्योंकि एक महीने का वेकेंट था, तो ये 33,000 हो गया। तो अब आप ये देख रहे हैं कि पहले तो ये ज़्यादा था, मतलब एक्चुअल में देखिए तो ये ज़्यादा था एक्चुअल रेंट हम लोगों का एक्सपेक्टेड रेंट से, लेकिन वैकेंसी की वजह से ये शॉर्ट हो गया, ये 33,000 रुपये हो गया, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट से फॉल करके इस पर कम हो गया। तो इस केस में यहाँ पर आप एक्चुअल रेंट को ही जी ए वी यहाँ पर मान लेते हैं। तो यही मैंने आपको आगे भी दिखाया, ये देखिए यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो भी हायर होता है 90% केसेज में वही आपका जी ए वी बनता है। तो ये हो गया नॉर्मल केस हम लोगों का। इसके बाद अगर बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस में देखिए अनरियलाइजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी अनरियलाइजेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है और नो वैकेंसी का केस है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो पहले आप कंपेयर करोगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, जो भी हायर होगा वो आपका जी ए वी हो गया, क्योंकि यहाँ पर वाली कंडीशन फिर नहीं आएगी देखिए, क्योंकि वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। तो जब वैकेंसी है ही नहीं यहाँ पे, तो आपका एक्चुअल रेंट अगर शॉर्ट करता है एक्सपेक्टेड रेंट से, मतलब यानी कि इन केस मान लीजिए कि एक्चुअल रेंट अगर कम हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही आपका क्या हो जाएगा, जी ए वी हो जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी नहीं है। तो यानी कि आपका जो एक्चुअल रेंट कम हो रहा है एक्सपेक्टेड से, वो किसी और फैक्टर की वजह से हो रहा है, वैकेंसी की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि वैकेंसी तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका जी ए वी हो गया। फिर आप जी ए वी में से लेस करोगे अपने म्यूनसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज रेंट, इन दोनों को लेस करके आपको मिल जाती है यहाँ पर एनुअल वैल्यू। ऊपर देखिए हमने से म्यूनसिपल टैक्सेस लेस किए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग अनरियलाइज रेंट को भी लेस करेंगे अगर कंडीशंस ऑफ रूल 4 यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद बात करें अगर तीसरे केस की, तो तीसरे केस में देखिए क्या बोल रहे हैं, नो अनरियलाइज रेंट, लेकिन यहाँ पर देखिए वैकेंसी आ गई। जैसे ऊपर वैकेंसी नहीं थी, यहाँ पर वैकेंसी आ गई, तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वैकेंसी किस रीज़न की, मतलब जो वैकेंसी है उसके रीज़न की वजह से कम हो रहा है, किसी और फैक्टर की वजह से कम हो रहा है। तो पहला केस अगर हम लोग देखें तो वैकेंसी है यहाँ पर और अनरियलाइज्ड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों को आपने कंपेयर किया, इन दोनों में से जो अगर एक्चुअल रेंट मान लीजिए ज़्यादा है, पहला केस देखिए, पहले केस में बोल रहा हूँ मैं, तो एक्चुअल रेंट मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा निकल के आ रहा है, एक्चुअल रेंट इज़ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट है, तो एक्चुअल रेंट जीएवी हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा हो जाता है एक्चुअल रेंट से और इसका रीज़न अगर है वैकेंसी, तो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल रेंट होगा वही आपका जीएवी हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जीएवी जब निकला तो उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करिए और एनुअल वैल्यू आपके यहाँ पर निकल करके आ जाती है। बस एक चीज़ का आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्चुअल रेंट आप निकाल रहे हो वो एक्चुअल रेंट आप किस तरीके से निकाल रहे हो। तो एक्चुअल रेंट देखिए हम लोगों का जो निकलता है, ये ना करेगा कि जो आप एक्चुअल में रिसीव करने वाले तो उसको मत आप वो मान लीजिएगा जीएवी, जो आपने एक्चुअल में रिसीव किया आप उसी को करोगे। तो वो आप देखिए कैसे निकालते हो, एक्चुअल रेंट इज़ फॉर द लेट आउट पीरियड, जितने महीने वो लेट आउट रहा है, तो लेट आउट के लिए आप क्या करेंगे, रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाई 12 आपने किया, इसमें से माइनस कर दीजिए वैकेंसी वाला पीरियड। तो मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन जो देखा था उसमें हम लोगों ने 3,000 रुपये पर मंथ का लिया था, तो 3,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई हम 12 करेंगे, यानी कि ये हमको मिलेगा 36,000 रुपीज़। अभी घर वैकेंट कितने महीने रहा है, मान लीजिए वो एक महीने वैकेंट रहा है, तो एक महीने का रेंट कितना था, 3,000 रुपये। तो यहाँ पर माइनस हम लोग करेंगे 1 × 3,000, यानी कि भाई 3,000 निकलेगा, तो ये निकल करके आएगा 33,000। और यही 33,000 हम लोगों का जी ए वी बनेगा अगर इस रीज़न की वजह से, मतलब वैकेंसी की वजह से ही एक्चुअल रेंट कम हो रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से।
लास्ट केस की बात करें तो लास्ट केस में सेम वही ऊपर वाली कंडीशन है, बस यहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट आप माइनस कर देंगे। तो चार कंडीशन हम लोगों ने देख ली, एक जहाँ पर ना तो वैकेंसी थी ना अनरियलाइज्ड रेंट था, एकदम नॉर्मल कंडीशन है, जैसे आपने अभी तक पढ़ते आ रहा आप उसी तरीके से करेंगे। सेकंड केस में अनरियलाइज्ड रेंट अगर एग्जिस्ट करता है, वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर आपका अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो माइनस हो जाएगा। इन केस मान लीजिए वैकेंसी आ जाती है, तो वैकेंसी के केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, इन दोनों में से जो भी, अगर मान लीजिए कि ये एक्चुअल रेंट आपका ज़्यादा होता है, अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्चुअल रेंट आपका कम हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से और यहाँ पर वैकेंसी वाली कंडीशन है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल रेंट आपका कम हुआ है वैकेंसी की वजह से या फिर किसी और फैक्टर की वजह से। अगर वैकेंसी की वजह से कम हुआ है तो फिर आपका जो ये एक्चुअल रेंट होगा वही आपकी जीएवी हो जाएगी, और इनकेस किसी और रीज़न की वजह से हो रहा है तो फिर आपका एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पर जीएवी हो जाता है। अब क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। उसके पहले एक और चीज़ बस देख लीजिए, यहाँ पर देखिए फुल ईयर वेकेंट अगर है तो जीएवी आपकी निल हो जाएगी। मान लीजिए आप किराए पे चढ़ाने के लिए आप वेट कर रहे थे कि किराएदार आया और आप उसको लेट आउट करें, लेकिन वो लेट आउट हो ही नहीं पाए, पूरे के पूरे साल वो खाली ही पड़ा रहेगा अगर, तो जब भी घर फुल ईयर वेकेंट अगर रहता तो उस केस में जीएवी आपकी निल हो जाती। ये सब देखिए, ये पॉइंट जो है छोटे छोटे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। आपसे कई बार पूछते थे कि अगर फुल ईयर वेकेंट है तो उसमें जीएवी आपकी क्या निकलेगी या एनुअल वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, तो यहाँ पर आप जीएवी बोलोगे निल आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारे केसेस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नो वैकेंसी और नो अनरियलाइज्ड, ना तो वैकेंसी है ना ही अनरियलाइज्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या दिया, आपको दिया एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इनको आप कंपेयर करते हैं और आप देखते हैं कि हायर कौन सा है, तो 90,000 और 1,32,000, इन दोनों में से हायर कौन सा है, तो हायर है हम लोगों का 1,32,000, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट ही हम लोगों का हायर है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, जीएवी हो जाएगा। अब जीएवी जब आपका निकला है तो इसमें से आप क्या लेस करते हो, म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड, क्योंकि अनरियलाइज्ड यहाँ पर है ही नहीं, तो हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस जो दिए उनको लेस करेंगे। तो 10,000 रुपये इसमें से अगर हम लेस कर देते हैं तो ये हमको मिलेगा 1,22,000 रुपये, तो यही हम लोगों की क्या हो जाएगी, एनुअल वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। इसके बाद मान लीजिए एक और तरीके से ले लेते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए आपको एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पर दे देता है 1,32,000, पलट देते हैं वैल्यूज चलिए, और ये आपका होता है 90,000, एक्सपेक्टेड रेंट 1,32,000 और एक्चुअल रेंट आपका 90,000, तो भी आप क्या करोगे, वहाँ पर हायर वैल्यू को ही चूज़ करोगे, मतलब इस बार आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो आपका जीएवी हो जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट विल बी जीएवी, यानी कि 1,32,000 आपका जीएवी यहाँ पर निकल करके वही चीज़ आएगी, लेकिन वो जीएवी आपकी एक्सपेक्टेड रेंट की वजह से निकलेगी। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका एक्चुअल रेंट यहाँ पर कम हो रहा है एक्सपेक्टेड रेंट की वजह से, तो जब भी ये वाला केस होता है तो इसमें हायर वैल्यू हम लोग उठाते हैं, तो हायर हम लोगों ने उठा ली एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन अगर वैकेंसी की वजह से होता तो फिर हम लोग एक्चुअल रेंट को उठाते हैं। लेकिन जब आप देखें वाला केस तो यहाँ पर वैकेंसी तो है ही नहीं भैया, तो कहाँ से आप वैकेंसी को मान लोगे, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद अगर दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में नो वैकेंसी एंड अनरियलाइज रेंट की बात होती है, तो यहाँ पर वैकेंसी तो नहीं है लेकिन अनरियलाइज रेंट आपका कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोई ना कोई रेंट की चोरी आपकी हुई है। सबसे पहले देखिए एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया हुआ 1,60,000 रुपये, एक्चुअल रेंट आपको दिया 20,000 रुपये पर मंथ, तो 20,000 रुपये पर मंथ अगर है तो साल का कितना हो गया, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये निकलेगा आपका 2,40,000 रुपीज़। एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया 1,60,000, तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा, यानी कि क्या होगा, 2,40,000, तो ये 2,40,000 हम लोगों का क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे, तो माइनस कर देंगे हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि आपको दिया है 30,000 रुपये। अब ये चीज़ का याद रखिएगा, कई बार म्यूनिसिपल टैक्सेस की जगह आपको वाटर टैक्स, हाउस टैक्स ये सब दे देते हैं, तो वो भी आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस के अंडर ही आते हैं। तो ये 2,40,000 में से आपने 30,000 हटाया, उसके बाद आप क्या देखोगे, अनरियलाइज्ड रेंट है यहाँ पे, तो अनरियलाइज्ड रेंट दिया है आपको 40,000 रुपये। बोल रहे हैं कि कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, तो कंडीशंस ऑफ रूल 4 अगर सेटिस्फाई हो रही, इसका मतलब हमको अनरियलाइज्ड रेंट का भी यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा, तो अनरियलाइज्ड रेंट को भी हम लोग यहाँ पर डिडक्ट करेंगे जो कि होगा 40,000 रुपये। तो 30,000 और 40,000 ये यहाँ पर हटेगा, तो ये हो गया 2,00,000, 2,00,000 में से 30 गया, यानी कि 1,70,000। तो 1,70,000 जो होगी वो हम लोगों की एनुअल वैल्यू यहाँ पर निकल करके हाउस प्रॉपर्टी की आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप इसमें से डिडक्शन अगर लेस कर दो तो आपकी टैक्सेबल इनकम भी वहाँ पर निकल आएगी। तो ये होता हम लोगों का नो वैकेंसी एंड अनरियलाइज रेंट की केस। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे केस की, जहाँ पर वैकेंसी तो है लेकिन अनरियलाइज रेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए फुल ईयर अगर वैकेंट होता है, ठीक है, वैकेंसी का केस हम लोग डिस्कस करें, तो फुल ईयर अगर वैकेंट होता है तो जीएवी आपकी निल हो जाती है, मैंने पहले भी आपको बता दिया।
यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया है 1 लाख रुपये, एक्चुअल रेंट आपको दो कंडीशन में दिया है। फर्स्ट केस में आपको बोल रहे हैं कि एक्चुअल रेंट आपका 10,000 रुपये पर मंथ है और दूसरे केस में आपका 8,000 रुपीज़ मंथली है, और म्यूनसिपल टैक्सेस आपको दे रखे हैं 9,000 रुपये और हाउस रिमेंड वेकेंट फॉर 1 मंथ यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। तो देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस में देखिए अगर आप तो एक्सपेक्टेड रेंट आपको कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपये और आपको बोल रहे हैं कि एक्चुअल रेंट आपका कितना है, आपका एक्चुअल रेंट है 10,000 रुपये मंथली और 1 महीने वो खाली रहे। तो आप क्या करेंगे, आप जब भी देखें जहाँ पर भी वैकेंसी की बात आती है तो वैकेंसी में आप एक्चुअल रेंट होता है वो किस तरीके से निकालते हैं, आप उसको टोटल महीने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 10,000 रुपये अगर मंथली है तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि कितना आ जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 ये हो गया, इसके बाद आप इसमें से लेस कर दीजिए 1 महीने का, क्योंकि 1 महीने वेकेंट अगर आया तो 1 महीने का आप रेंट इसमें से लेस कर दीजिए, तो ये आपका निकल करके आएगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जब आप ये इसमें से लेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 1,10,000। तो एक्चुअल रेंट आपका कितना हुआ 1,10,000 रुपये। अब इन दोनों में से जो भी हायर होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा जीएवी हो जाएगा। तो यानी कि आप कंपेयर करते हो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से हमेशा याद रखिएगा अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप आराम से एक्चुअल रेंट को यहाँ पर जीएवी जो है वो बना देते हो। इन केस मान लीजिए कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा हो जाता है एक्चुअल रेंट से, तो उस केस में आपको देखना पड़ता है कि वैकेंसी की वजह से या फिर नो वैकेंसी की वजह से आपका वहाँ पर किसी और फैक्टर की वजह से वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्चुअल रेंट हम लोगों का ज़्यादा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 1,10,000 रुपये हम लोगों की जीएवी जो है वो निकल करके आ जाएगी। अब जीएवी 1,10,000 रुपये निकली और आपका जो वो है म्यूनसिपल टैक्सेस वो आपके 9,000 रुपये यहाँ पर दिए हुए हैं, तो जब म्यूनसिपल टैक्सेस 9,000 आप लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 1,01,000 रुपये, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। अब दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैं पॉइंट आपको वैकेंसी और नो वैकेंसी वाला बता रहा हूँ। तो दूसरे केस में देखिए क्या दिया हुआ, आपको एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख रुपये का। ठीक है, 1 लाख रुपये का आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल रेंट बोले 8,000 रुपये पर मंथ, 8,000 रुपये पर मंथ और हाउस रिमेंड वेकेंट फॉर 1 मंथ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये देखना है कि एक्चुअल रेंट हम लोगों का कितना रिसीव हुआ है। मैंने आपको बताया ना एक्चुअल रेंट जो आपको 12 महीने का माइनस आप करते हो जो पीरियड आपका वेकेंट रहा है, तो 8,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 96,000, तो ये आप रिसीव कर सकते थे। लेकिन आपने आपका 1 महीने जो घर था वो आपका वेकेंट रहा, तो यानी कि आप इसमें से 8,000 रुपये माइनस आप कर देंगे 1 महीने के उसको, तो माइनस जब करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 88,000। ठीक है, ये आपको एक्चुअल रेंट यहाँ पर रिसीव हुआ है। अब अगर आप देखें तो आपको देखिए एक्चुअल रेंट जो रिसीव हुआ वो 88,000 है और आप जो रिसीव कर सकते थे वो 96,000 था। तो मैंने आपको ये बताया था पहले भी कि अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता है एक्सपेक्टेड रेंट से तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपका एक्चुअल रेंट जो है वो जीएवी यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट आपका कम होता है एक्सपेक्टेड रेंट से, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो अगर ये कम हो रहा है तो वैकेंसी की वजह से अगर हो रहा है तो फिर आपका एक्चुअल रेंट जो है वो आपका जीएवी होगा। लेकिन अगर किसी और फैक्टर की वजह से होता है तो जो आपका ये एक्सपेक्टेड रेंट होता है वही आपका क्या हो जाता है जीएवी यहाँ पर हो जाता है। तो अब आपको अगर ये चेक करना हो कि वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम हुआ या फिर किसी और फैक्टर की वजह से आपका जो एक्चुअल रेंट है वो कम हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप 12 महीने से जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसको आप कंपेयर करिए अपने एक्सपेक्टेड रेंट से। जो आपने 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया था टोटल जो आपने रेंट निकाला जो आप रिसीव कर सकते थे वो जो आपने निकाला है उस वैल्यू को, उसको आप कंपेयर करो अपने एक्चुअल रेंट से। तो आप 96,000 यहाँ पर रिसीव कर सकते थे एक्चुअल रेंट में और आपका एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पर देखिए कितना 1 लाख रुपये। इसका मतलब वैकेंसी की वजह से जो 88,000 आया है हमारा वो वैकेंसी की वजह से हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से कम नहीं हुआ है, वो एक्चुअल में कम ही है 96,000। अगर आप 12 महीने भी अगर आप रिसीव करते हैं एक्चुअल रेंट तो भी आप 96,000 ही रिसीव करते जो कि एक्सपेक्टेड रेंट से कम था। इसका मतलब यहाँ पर जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट होगी। तो आप यहाँ पर वैल्यू तो पूरी लिखेंगे, तो ये आप लिखेंगे एक्चुअल रेंट। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू डालेगा ये मत डाल दीजिएगा, ये आप डालेंगे यहाँ पर 88,000। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा जीएवी हो जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारा क्या हो जाएगा जीएवी हो जाएगा। एक्चुअल रेंट हो सकता था अगर मान लीजिए ये बिना वैकेंसी की वजह से होता, मान लीजिए 9,000 रुपये अगर साल का वो रिसीव करता। सपोज एक और केस ले लेते हैं, थोड़ा सा मुझे पता है मैं लेंदी लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका 70% पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
₹9,000 पर मंथ अगर मान लीजिए वो रिसीव करता, ठीक है, ₹9,000 पर मंथ अगर रिसीव करता और 11 महीने अगर उसने रिसीव किया था तो कितना हो जाता, 99,000 होता। लेकिन हम लोग अगर इसको कंपेयर करते 12 से, अगर पूरे साल अगर आप ₹9,000 रिसीव करते तो आप रिसीव करते यहाँ पर ₹1,08,000, ठीक है, ₹1,08,000 ये आप रिसीव करते अगर आप 12 महीने आपका घर उठा रहता, और अगर वेकेंट रहा 1 महीने तो आपका, आपने यहाँ पर 99,000 रिसीव किया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ₹1,00,000 आपको एक्सपेक्टेड रेंट था, और अगर आप इसको पूरे के पूरे साल रिसीव करते हैं तो आपका ₹1,08,000 होता। यानी कि वैकेंसी की वजह से जो 99,000 आपका एक्चुअल रेंट आया है, ये वैकेंसी की वजह से यहाँ पर कम हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर आप एक्चुअल रेंट देखोगे तो एक्चुअल रेंट आपका कितना है, 99,000 है, और एक्सपेक्टेड रेंट जो आपका है वो है आपका ₹1,00,000। तो यहाँ पर जो एक्चुअल रेंट आपका कम हुआ एक्सपेक्टेड रेंट से, वो वैकेंसी की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर आप पूरे 12 महीने अगर आप रिसीव करते तो आप यहाँ पर ₹1,08,000 रिसीव करते हैं, लेकिन क्योंकि 1 महीने वैकेंट रहा तो आपने 99,000 ही रिसीव किया, जिसकी वजह से आपका एक्चुअल रेंट जो है वो कम हो गया इस एक्सपेक्टेड रेंट से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्चुअल रेंट को ही, जो हमने रिसीव किया है, जो हमने रिसीव किया ना कि जो हम रिसीव कर सकते थे, जो हमने रिसीव किया उसी को हम यहाँ पर जीएवी मान लेते हैं। यानी कि हमारी जीएवी क्या होती, 99,000 यहाँ पर हो जाती। लेकिन क्योंकि हमने ₹8,000 मंथली अगर हम रिसीव करें तो उस केस में हमारा ये वाला कंडीशन बनेगी और जीएवी हमारी निकल के आएगी यहाँ पर ₹1,00,000, ठीक है। अब इसमें से आप म्यूनसिपल टैक्सेस लेस करोगे यानी कि ₹9,000, तो आपका यहाँ पर जो वो बनेगी एनुअल वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 81,000। तो एनुअल वैल्यू हम लोगों की निकली 81,000 यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दूसरा केस, जहाँ पर वैकेंसी भी है और अनरियलाइज रेंट भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक्सपेक्टेड रेंट आपको कितना दिया हुआ है, ₹2,00,000। एक्चुअल रेंट आपसे बोल रहे हैं कि ₹30,000 पर मंथ है, ठीक है, ₹30,000 पर मंथ अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आपको कंपेयर अगर करना हो तो एक्सपेक्टेड रेंट तो आपका ₹2,00,000 है, एक्चुअल रेंट आपका कितना हो जाएगा, ₹30,000 × 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 12×3=36, ₹3,60,000 आप रिसीव कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना रिसीव किया, 2 महीने घर आपका वैकेंट रहा है, तो 2 महीने घर अगर आपका वैकेंट रहा है तो यानी कि 30,000 × 2, तो ये आपका डिडक्ट हो जाएगा इसमें से, यानी कि ₹60,000 ये आपका डिडक्ट होगा और आपका मिलेगा यहाँ पर वैल्यू ₹3,00,000। तो अब आपका एक्चुअल रेंट जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, ₹3,00,000 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल रेंट हमारा ग्रेटर देन है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब आपका जो भी हायर है वो उठा करके आप यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हायर कौन सा है इनमें से, ₹3,00,000, यानी कि हमारी जीएवी होगी वो क्या हो जाएगी, ₹3,00,000 हो जाएगी। इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस देखिए हमने कितने पे किए, ₹15,000, तो माइनस कर देंगे इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि है ₹15,000। ये लेस करने के बाद हम लोगों को अनरियलाइज रेंट भी यहाँ पर हटाना पड़ेगा, तो अनरियलाइज रेंट भी देखिए कंडीशन ऑफ रूल 4 सेटिस्फाई हो रही है, ₹30,000 का अनरियलाइज रेंट है, तो माइनस अनरियलाइज रेंट और ये हो जाएगा यहाँ पर ₹30,000 माइनस का, तो ₹3,00,000 -₹15,000 - ₹30,000, तो ये आपका निकल करके आएगा ₹2,55,000, ठीक है, ये 45,000 हो जाएगा, 45,000 अगर आप इसमें से घटाएंगे तो 2,55,000 ये आपकी होगी यहाँ पर एनुअल वैल्यू। तो हम लोगों ने पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझ लिया कि किस तरीके से हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग एनुअल वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, ये तो हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया था, हम लोगों ने यहाँ पर एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन देख लिया सेक्शन 23 के अंदर में, और हम लोगों ने बात कर ली है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 की, जिसमें बिल्डिंग लेट आउट की हम लोगों ने बात करी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट की। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग अब देखेंगे कि कौन कौन से डिडक्शन आपको लेट आउट के केस में मिलते हैं, ठीक है, सेक्शन 24 में कौन कौन से डिडक्शन आपको मिलते हैं। एक तो देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, और किस तरीके से आप प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट यहाँ पर निकालते हो, तो उसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे, और हम लोगों का जो 90% चैप्टर है वहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड को कंप्लीट करेंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होता है, कहीं पे भी आपको कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में अपने दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।